नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी अगर आपने आईसीयू में काम किया होगा या ओटी में काम किया होगा या आप कोई भी इमरजेंसीज में काम करते हैं, तो उस चीज़ की हमें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। तो वो चीज़ है ईटी ट्यूब, यानी कि इंडोट्रेकियल ट्यूब। तो चलिए आइए हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि कितने टाइप्स की आती हैं ईटी ट्यूब्स और क्या उसके पार्ट्स होते हैं और क्या क्या मार्किंग के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो वो सारा डिटेल में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने ईटी ट्यूब की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब टू टाइप्स की होती हैं, तो ये कव्ड है और अनकव्ड भी होती हैं। तो मैं इसका जो भी डिफिनीशन है बाद में सारा कुछ रिटेन में नोट्स दे दूंगी। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पेशेंट एंड है, इसको बोलते हैं पेशेंट एंड। तो ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये तिरछा तिरछा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो ये जो तिरछा सा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेवल। ये होता है बेवल। और जैसे ही आप इसको इस तरीके से, ये देखिए, बेवल के जस्ट पीछे आप देखेंगे ये एक ओपनिंग दी हुई है। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं मर्फी आई। तो मर्फी आई का एडवांटेज ये होता है कि जैसे हमने ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया अंदर, तो क्या होता है, लैरिंग्स को सबसे पहले, तो ये जो तिरछा है तो ये लैरिंग्स को दिखने में बहुत ही आसानी होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है इसको। और ये जो आपका इस तरीके से दी हुई है आई, मर्फी आई, तो मर्फी आई से क्या होता है कि अगर पेशेंट को ट्यूब डालने में या ऑक्सीजन की कमी आ गई, सांस नहीं ले पा रहा है, कहीं से गड़बड़ हो गई, तो इससे क्या है, एयर ले सकता है। इस वजह से इसके एडवांटेज होते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये देखिए, आपने देखा होगा कि ये एक कफ है, तो इस ये मर्फी आई होने के कारण क्या होता है, कफ थोड़ा सा नीचे आता है। अगर ये मर्फी आई नहीं होती तो जो कफ का ये है स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बस। तो ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज है। तो आप देख रहे हैं, ये इसका कफ है, इसके नीचे आते हैं। और जो ईटी ट्यूब होती है वो कर्व शेप की होती है, ये देखिए कर्व शेप की है। तो हम इस ट्यूब से नीचे आते हैं, तो आपने देखा ये एक, ये ट्यूबिंग है, ये देखिए, ये है इन्फ्लेशन ट्यूब, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन ट्यूब। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये है इन्फ्लेशन ट्यूब। एंड ये आपको ये छोटा सा बलून जैसा दिख रहा होगा, तो ये है पेलोट बैलून, इसको बोलते हैं पेलोट बैलून। तो ये देखिए, इसके अंदर ये देखिए एक वॉल्व दिया रहेगा, वाइट वाइट से दिख रहा है, और ये इसके अंदर स्प्रिंग होती है। इससे हम करते क्या हैं, तो इसका जो काम होता है वो देखिए, ये हमने लिया 5 ml की सिरिंज, तो इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए 5 ml सिरिंज से हम इसमें एयर डालते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको कनेक्ट कर ले रही हूँ। तो ये आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैंने इस सिरिंज को इसमें क्या किया, कनेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे 5 ml एयर डालूंगी। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बलून क्या हो रहा है, कि बलून अपना अपनी शेप ले रहा है। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको 5 ml डाल दूंगी एयर, ये देखिए। तो ये जो कफ का काम होता है, तो ये कफ क्या करता है, ईटी ट्यूब को अपनी जगह पे फिक्स कर देता है, यानी कि इधर उधर नहीं होता, ताकि पेशेंट को कोई भी लैरिंजियल इंजरी ना हो सके इस वजह से। और अगर हम इसमें ज्यादा एयर नहीं डाल सकते, 5 से 10 ml ही एयर डाल सकते, क्योंकि अगर ज्यादा एयर डालेंगे तो पेशेंट को इंजरी होने का दिक्कत रहता है। तो आप ये समझ गए कि इसका क्या काम होता है और क्या नेम होता है। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए, आपने देखा यहाँ पर। अब चलिए हम बात करते हैं, पेशेंट जो एंड था वहां से बता दिया है यहाँ तक आ गए।
तो ये पूरी ट्यूबिंग है, इसका मतलब भी बता दिया मैंने क्या है। और ये देखिए, ये आपको ये ब्लैक निशान दिया हुआ है, तो ये ब्लैक मार्कर का नेम है लेरेंजियर मार्कर। तो लेरेंजियर मार्कर का मतलब ये है, कभी भी हम इंट्यूबेट करते हैं या इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आके हमें मतलब कि फिक्स हो जाना है, रुक जाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, इसलिए इसको बोलते हैं लेरेंजियर मार्कर। तो ये आपको समझ आया। और नेक्स्ट दिया है आईडी। आईडी का मतलब होता है इंटरनल डायामीटर। तो जो इस ट्यूब का इंटरनल डायामीटर है वो कितना है, 7.5 mm है। एंड ये सिंगल यूज, सिर्फ इसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके आगे दिया है 10.3 ओडी। तो ओडी का मतलब है आउटर डायामीटर। जो इसका आउटर डायामीटर है वो है 10.3 mm। एंड ये दिया है आपका जैसे 18, तो ये सेंटीमीटर है, 18, 20, 22, 24। तो ये ओरल नेजल लिखा है, तो इसको हम मतलब कि ओरल से भी फिक्स कर सकते हैं एंड नेजल से भी इसको डाल सकते हैं। 26, तो ये 28 सेंटीमीटर की है और जो इसका डायमीटर है वो 7.5 mm है। तो आप देख रहे होंगे, ये एक चीज़ ये दिख रही है, तो ये है कनेक्टर। तो इसको क्या करते हैं हम, वेंटिलेटर के जो भी ट्यूब होती है उससे ये हम फिक्स कर सकते हैं ताकि पेशेंट को जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से मिल सके। तो इस ये बाहर भी हो सकता है, देखिए ये बाहर भी निकल आता है। और ये जो बाहर का आउटर रहता है, तो ये मैंने बता दिया फिक्स करने में, और जो ये अंदर का रहता है ट्यूब में फिक्स करता है। तो या इन्फेंट की हो या न्यू बॉर्न बेबी की हो, तो ट्यूब का जो साइज़ है वो तो छोटा हो जाएगा, तो वो साइज़ के हिसाब से ये आ जाएगा, लेकिन ये जो आउटर का जो कनेक्टर होता है ये सेम ही रहता है, सारे जितने भी ईटी ट्यूब होते हैं यानी कि डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन ये जो डायमीटर रहेगा ये पूरा आपका एकदम सेम ही रहेगा। तो चलिए हम इसकी नोट्स देते हैं, बताते हैं आपको। इंडोट्रेकियल ट्यूब, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब मतलब यह प्रोसीजर है जिसमें ईटी ट्यूब को नाक या मुंह के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं। एंड इसका पर्पस क्या है, टू मेंटेन पेशेंट एयरवे पेशेंट की मेंटेन करते हैं। एंड एडमिनिस्टर O2 प्रोवाइड करते हैं, एयरवे सक्शनिंग, एयरवे का सक्शन करने के लिए। एंड टू गिव एनेस्थीसिया देने के लिए। एंड टू एडमिनिस्टर ड्रग के लिए जैसे कि ब्रोंको डायलेटर। एंड टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के लिए, तो दो टाइप्स की होती है, ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड नंबर टू होती है नेसोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो देखिए ओरोट्रेकियल टाइप्स एंड नेसोट्रेकियल टाइप्स में क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट बिटवीन ओरोट्रेकियल एंड नेसोट्रेकियल। तो ट्यूब को माउथ के द्वारा इंसर्ट करते हैं, इसको ट्यूब को नोज के द्वारा इंसर्ट करते हैं। ये लार्जर देन नेसोट्रेकियल से लंबी होती है एंड ये शॉर्टर देन ओरोट्रेकियल से शॉर्ट होती है यानी छोटी होती है। एंड नेक्स्ट क्या है, ये नेसोट्रेकियल ट्यूब की तुलना में कम आरामदायक होती है क्योंकि ट्यूब जो टंग है उसकी वजह से मैनिपुलेट होने लगती है, और ये ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तुलना में ज़्यादा आरामदायक होती है। और ये इंट्यूबेशन तब करते हैं जब कोई नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन या एपिटैक्सिस के केस में लेते हैं, एंड इस इंट्यूबेशन को एपिटैक्सिस केस में अवॉइड करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूब, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, कफ्ड टाइप होते हैं एंड अनकफ्ड टाइप होते हैं। तो जो कफ्ड टाइप के होते हैं वो कैसे ट्यूब होते हैं, तो ट्यूब इन यूज फॉर चिल्ड्रन अबव 8 ईयर ऑफ एज। जो ये कफ्ड वाले ट्यूब होते हैं तो वो क्या होते हैं, ये चिल्ड्रन में यूज करते हैं, कब से, 8 ईयर के बच्चों में। एंड कफ इन्फ्लेशन ये ईटी ट्यूब को सही पोजीशन में रखता है, एंड जो भी जीआई कॉन्टेक्स होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। एंड अनकैप्ड ट्यूब यूज टू चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में यूज होते हैं, बिलो कितने, 8 साल से कम में, वो देखिए 8 साल से ज़्यादा में यूज हो रहा था, ये 8 साल से कम में यूज हो रहे हैं, क्योंकि इस एज में जो सब ग्लॉटिक एरिया होता है वो बहुत नैरो होता है, तो जो ईटी ट्यूब होती है वो प्रॉपर पोजिशन अपने आप ही रखता है, क्या, ये सब ग्लॉटिक एरिया। एंड इसका प्रोसीजर कैसे होता है, देखिए प्रोसीजर सुनिए, पोजिशन सबसे पहले हम
पेशेंट की पोजीशन लेते हैं। स्नीपिंग पोजीशन यानी कि स्नीफी पोजीशन उसको बोलते हैं। हेड एक्सटेंशन विद सुपाइन, सुपाइन मतलब पेशेंट सीधा रहेगा और सर उसका उठा हुआ रहेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंसर्ट लैरिंजोस्कोप, लैरिंजोस्कोप को हम अंदर इंसर्ट करते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम लैरिंजियल ओपनिंग एक्सपोजर करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं, इंसर्ट ओरल ट्यूब ट्रेकियल ट्यूब। तो इसके बाद में जब लैरिंजोस्कोप को डाल देते हैं तो हमें ओपनिंग सही से एक्सपोज हो जाती है। इसके बाद में हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और उसका प्लेसमेंट ईटी ट्यूब का देते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर अबव कैरिना। कैरिना का मतलब है जहां से ब्रोंकाई शुरू होती है उस एरिया को बोलते हैं कैरिना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ट्यूब को प्लेसमेंट देते हैं। एंड नेक्स्ट क्या, इन्फ्यूज 5 to 10 ml एयर। तो 5 to 10 ml एयर इन्फ्यूज करते हैं इनफ्लेट ऑफ कफ, यानी कफ को फुलाने के लिए, इनफ्लेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्या है, चेक प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब को हम क्या करते हैं, इसका ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करते हैं। कहाँ से चेक करते हैं, बाय बायलेटरल लंग से, साउंड से एंड चेस्ट राइज विजुअल। जो चेस्ट हुआ होगा यानी कि जो चेस्ट होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। एंड कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं। एंड देखिए साइज ऑफ ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब के कितने साइज आते हैं। तो न्यू बॉर्न का जो साइज होता है वो 2.5 से 4 एमएम तक होती है। एंड इन्फेंट का जो होता है, इन्फेंट का होता है 4 से 4.5 एमएम तक। एंड जो चाइल्ड होते हैं कितना कि 10 ईयर से कम वाले बच्चे वो उनके लिए यूज करते हैं 5 से 7 एमएम तक। एंड जो चाइल्ड होते हैं वो क्या क्या है, 10 ईयर से यानी कि 10 ईयर से ऊपर वालों को तो वो होती है 7 से 8 mm तक। एंड एडल्ट को यूज करते हैं हम 8 से 9.5 mm तक। एंड मैन को यूज करते हैं 7 से 9 mm, एवरेज इसका देते हैं 8 mm तक। एंड वुमेन का हम यूज करते हैं 6.5 से 8.5 mm, एवरेज 7 mm तक यूज करते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको जरा सा भी समझ आया है या आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो कौन कौन से लोग लाइक कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।